नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। नीम करौली को कौन नहीं जानता, साक्षात वो हनुमान जी का अवतार माने जाते थे। ऐसे ही एक घटना है जो कि वहां के बुजुर्गों द्वारा बताया हुआ। इस कहानी को आज भी लोग वहां बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसका अनुकरण बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या हुआ जब एक भिखारी आया, क्या हुआ उस भिखारी को बाबा नीम करौली दास ने बुलाकर क्या कान में चुपके से बोल दिया, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए गया, फिर दोबारा उस जगह नहीं दिखा। बाबा जी ने बोला था, जा लौट के मत आना, तेरा बेड़ा पार यही करेंगे। क्या हुआ था पहले दर्शकों, ये कहानी है बाबा नीम करौली की। नीम करौली के दरबार में ग्रामीण देहात के दूर लोग शाम को जब दरबार लगता था, भजन कीर्तन होता था, तमाम लोग आते जाते रहते थे। तब जमाना कुछ और था, स्थित परिस्थिति कुछ और थी, तमाम स्थानीय वहाँ के लोग सेवादार थे। उन्हीं में एक वहाँ का भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाला आया करता था, और जब लोग शाम को जाते थे, जो प्रसादी मिलती थी, जो कुछ बाबा देते थे या भोजन चलता था, तो वो भी बचा हुआ जूठन उठन या प्रसादी उसको मिल जाया करता था। बाबा उसको डेली देखते कि कभी नागा नहीं करता, प्रतिदिन आता है। अंततः उसके भाग्य का वो दिन आ गया जब बाबा ने उसको बुलाया। जब सब चले गए तो उसको बुलाया कि तू रुके रहना। जब सब चले गए और वो द्वार पे ही खड़ा था, उसको बुलाया कि जा उसको बुला लो। आया, कहने की बात बता, इस एरिया के लोग आते मेरे पास, दूर दूर के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, बैठते हैं, भजन होता है, संध्या होता है, भजन संध्या होने के बाद प्रसाद वितरण होता है, सब लोग ले जाते हैं, भोग ले जाते हैं, कोई ना कुछ मुझसे मांगता है, कोई ना कोई फरियाद लेके आता है, कोई ना कोई इच्छा लेके आता है, मांगता है। और मैं देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं मांगने, उनसे तू मांगता है, जो मेरे पास आते मांगने उनसे तू मांगता है। वो मुस्कुराया के महाराज, मेरी इतनी क्षमता कहाँ, मैं तो भिक्षुक गरीब इस चौखट को कैसे नांग पाऊं, आपके भक्त लोग नाराज हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा, कोई नाराज नहीं होगा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा कि कभी आपको हाथ में कटोरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको करो, लाभ उठाओ और अपनी जिंदगी शान से जियो, ध्यान रखे, लेकिन दोबारा आपको इधर नहीं आना है। जहां पे रहो वहीं पे नीम करौली दरबार आपको दिखेगा, जिस घड़ी चाहोगे उस जगह आपको नीम करौली दरबार दिखेगा। फिर बाबा ने उसको बड़े प्यार से बुलाया, हाथ अब उसके गालों पर लगा के पुचकारा, बड़े प्यार से पुचकारा और बोला, कान इधर ला। कान में कुछ चीजें उन्होंने बुदबुदाया, बुदबुदाने के बाद उसको कहा, जा हाथ से तेरा बेड़ा पार। वो उसी समय मुस्कुराता हुआ वहां से निकला तेजी से, और उसके बाद दोबारा वो नहीं दिखा। लेकिन कुछ कहते नहीं, होशियार भगत होते हैं कि बाबा क्या बताएं इनको, जैसे चुगलखोर नहीं होते, अरे क्या बात कह दी, तो वैसे भक्तों में कई प्रकार के भक्त होते हैं, वो भी उनके पीछे लग गया। वो वहां से निकला, निकलने के बाद आया हल्द्वानी में वो एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखा, खाने पीने की वो भूल गया। अब वो ओंठ हिलाता रहता, 10 दिन हो गया, 15 दिन उसको देखते देखते कि इसकी हालत और खराब हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। जो इसके पीछे लगा था 15 दिन तक लगा रहा कि कुछ ना कुछ बाबा बताए तो चमत्कार होगा। ऐसे समय बीतता गया, वो कुछ ना कुछ आंख बंद करके ओंठों को हिलाकर पढ़ता रहा। 15 से 20 दिन हो गए, महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। अंततः वो समय आ गया, अचानक 2 दिन में उसके लिए वरदान बन के आई। वो मंगलवार की रात एकाएक किसी यात्री की, उस समय पहले गाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ी नहीं होती, बैलगाड़ी तो डबल बैल होते थे, तो एक बैल उसका खत्म हो गया, तो रात बिताने के लिए उसी जहां बाबा जी थे, भिक्षुक था, भिखारी था, वहीं पर उसने भी बिछा लिया। सुबह होने के इंतजार करने लगा तो इन भिखारी ने कहा, क्या हुआ,
लेकिन मेरा बैल मर गया है, अब सुबह जाएंगे कहीं दूसरा बैल मिलेगा लाएंगे, नहीं तो दूसरी बैलगाड़ी देखेंगे तब हम इसको अपने गांव तक ले जाएंगे। तो भिखारी मुस्कुराया, कहने घबराओ नहीं, कहाँ है तेरा बैल? कहने लगे ये बैल है। उसी जगह का पानी लिया और बाबा नीम करौली का नाम लेते हुए उसके छींटा मारा और थोड़ा सा पानी उसको पिला दिया। थोड़ी देर बाद वो बैल उठ खड़ा हुआ। ये देखकर वो व्यापारी बड़ा खुश हुआ। बड़ा खुश होने के बाद चमत्कारी पुरुष माना और ढेर सारा जो अशर्फियां सोने चांदी जो कैश उस समय चलता था इनको दे दिया। और ये बहुत रातों रात ये उस समय समझो अरबपति बन गए। पैसा पाकर भिखारी बहुत खुश हुआ, तीन चार दिन बड़ा खुश हुआ। अब भिखारी जब खुश हुआ और उदास भी हुआ कि इस पैसे की क्या जरूरत जब इतनी बड़ी मुझे दौलत मिल गई, बाबा की कृपा मिल गई, वो सोच ही रहा था, रो रहा था, तब तक ये जो इनके पीछे लगा हुआ था बाबा उसके पास पहुंचा भिखारी। कहने बता तू एक महीना हो गया, पहले तो ठीक था, अब और रो रहा है, हाथ पांव पटक रहा, आखिर क्यों? कह रहा अभी तक तो भैया सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन बाबा की कृपा से मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, देखिए कितना धन दौलत मिल गया मुझे, इसका क्या करूं? कहने तू तो भिखारी था इसीलिए जाता था करोड़पति बनने के लिए, और बन गया करोड़पति। तो वो कहा मुझे हमको ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बाबा का आशीर्वाद उनका चरण शरण चाहिए। तो आखिर उन दोनों ने तय किया कि बाबा की कृपा के आगे ये हीरे मोती और पैसे सोना चांदी ये तुच्छ मिट्टी है सारा लेके पुनः बाबा के धाम पहुंचे। बाबा के वचनों को तोड़ते हुए बाबा ने कहा था यहां मत आना, लेकिन धन को लेकर उनका दिया तो वहां पहुंचा, बाबा का पांव पकड़ गया, रोने लगा कि आपने कहा था यहां नहीं आना, लेकिन ये आपकी दी हुई चीज मुझे नहीं चाहिए, इसको आप अपने भक्तों में लगा दीजिए। उसी समय ये धन पैसा कुछ मंदिर में लगा, वहां का व्यवस्थाओं में लगा, और बाबा ने जैसे उसको बोला था यहां मत आना, उसका प्रायश्चित करने के लिए वो वहीं पर अपने को प्राण छोड़ दिए। और प्राण छोड़ने के बाद भी उनको बाबा जी ने कहा इनको विसर्जन नदी में होना चाहिए, चूंकि हरिद्वार लाया गया, फिर उनको विसर्जन किया गया, उनका यानी जल समाधि दी गई। जल समाधि जब दिया गया तब चमत्कार देखिए, वही जो इनके साथ पीछे पीछे 20 दिन लगा था, उन ऐसे समाधि देते समय एक मुट्ठी हाथ ऐसे निकला जल से और इसका नाम पुकारा। नाम पुकारने के बाद वो जब मुट्ठी खोला तो उसके अंदर एक पीपल के पत्ते पे शब्द लिखा था और बोला बाबा ने मुझे यही दिया था जिसके लिए तू मेरे पीछे लगा था ना, यही शब्द था, तेरे भाग की बात है, जप ले जितना जपना हो। उसने भी जपना चालू किया, धीरे धीरे वो भी माला माल होने लगा। तो वो इस बात को पूरी घटनाक्रम को बाबा को बताया, और जब बाबा को बताया तो बाबा कहे जब ये उजागर हो ही गया है तो तू किसी को भी दे सकता है, तो ये मेरी चीज नहीं है, जैसा मैं सुना जैसा मैंने पाया वैसे मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाबा ने सिर्फ इतना लिखा था एक सांस राम ही जपे सत्तर पावे राज और 1400 सांस जे जपे 1400 सांस जे जपे तीनों त्रिलोक पास, फिर नीचे राम लिखा था, यानी एक सांस में आप 17 बार जपो तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी। इस तरीके दिन भर में 17 बार जाप करना, जैसे सांस रुकते आपने देखो नीम करौली बाबा की पुरानी वीडियो देखो, राम 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 राम, खाली समय ऐसे बोलते रहते थे, यही शब्द है राम। आप कल से करना चालू करो, एक सांस में 17 बार बोलकर फिर आप विराम कर दे, फिर ऐसे बोले दिन भर में 17 बार बोलिए, ठीक है? प्रतिदिन इसको नियम में ले आइए, ज्यादा तो नहीं कहते, 17 दिन बाद मुझे खुद बताइएगा कि आपके जीवन में आपके परिवार में क्या बदलाव हो रहा है। आज मैं आया हूं तो बोल रहा हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, राम जी दे रहे हैं, आप लोगों की कृपा से आ रहा, कहीं ना कहीं से दान दक्षिणा मिल जाता है जीवोपार्जन के लिए। लेकिन इससे सामाजिक वैल्यू, परिवार में किसी प्रकार का रोग भूत तंत्र जादू टोना सब गायब, प्रसन्न रहोगे,
अजीब का नूर आपके चेहरे पर रहेगा, तेज रहेगा, ओरा आपकी मजबूत रहेगी। हाथ लगाते भूत प्रेत तो भाग जाएंगे, 340 कांटा बताएगा। सिर्फ राम 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 एक राम 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 दो, ऐसी इस प्रक्रिया से 17 बार एक बार बोलना है, ठीक है। ऐसे पूरे दिन में 17 टाइम्स बोलना है। ये बहुत ही अच्छा है प्यारे दोस्तों, राम का नाम ही काफ़ी है। इसे करिए, आजमाइए। और पुनः मैं बता दूं, जो लोग मुझे 7 से 10 जो सर्विस हमारी चल रही है उसमें बहुत सारे लोगों को बताया हूं, और आप लोगों का स्नेह जो मिला बहुत अच्छा मिला। बगैर आपको अयोध्या आए आपको अनुदान देना पड़ता है। सिर्फ आप अपना नाम, माता का नाम बताइए, हम यहाँ स्वयं आपको समय देंगे, स्वयं कॉल करेंगे और बताएंगे आप किस कारण परेशान, कब से हो और क्या दिक्कत है। इसका अनुदान व्हाट्सएप नंबर 8726153903 पर आके पूछ सकते हैं। जय श्री राम।